नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय व प्रामाणिक न्यूज चैनल श्री डूंगरगढ़ टाइम्स। आइए देखते हैं आज 6 सितंबर 2024 को हमारे क्षेत्र से खास खबरें एक साथ वीडियो न्यूज बुलेटिन में। गुरुवार को बाबा के बीच पर पदयात्रियों के संग में बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। द्वारकाधीश रोणेश्वर पैदल यात्री संघ में पदयात्रियों ने बाप के नजदीक जंगल में मंगल करते हुए गुब्बारों व फूलों से सजावट की और जमकर पटाखे फोड़े। बाबा के भक्तों ने विशेष ज्योत आरती की और जयकारे लगाते हुए बधाइयां बांटी। सभी को केक काटकर केक व मिठाइयों का प्रसाद वितरण किया गया और जमकर भजन कीर्तन का आनंद लिया। वहीं रोणेश्वर पैदल यात्री संघ ट्रस्ट श्री डूंगरगढ़ के पदयात्रियों ने भी बाबा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। अध्यक्ष हरि प्रसाद मुंदड़ा ने बताया कि संघ के उत्साही भक्तों ने नोखड़ा गांव में बाबा का जन्मोत्सव मनाया और ज्योत आरती के साथ भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने जमकर बाबा की जयकारे लगाए। इस दौरान संघ के पदयात्रियों ने अध्यक्ष मुंदड़ा का फूलमाला शॉल साफा पहनाकर स्वागत करते हुए श्रीफल भेंट देकर उनका सम्मान किया। ट्रस्ट के मंत्री कमल किशोर नाई, कोषाध्यक्ष किशन गोपाल गट्टानी सहित सभी ट्रस्टियों का पदयात्रियों ने फूलमालाओं पहनाकर स्वागत किया। क्षेत्र के गांव सूड़सर में सोलर प्लांट के लिए अवाड़ा कंपनी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक ओर जहां सूड़सर में कंपनी द्वारा जमीन अधिग्रहित किए जाने वाले किसान परिवारों में एक नौकरी देने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर खेजड़ी के पेड़ काटने का पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। श्री जम्बेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था के बैनर तले अनेक मौजूद लोगों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उमा मित्तल को ज्ञापन दिया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव मूलाराम भादू ने राज्य वृक्ष की अंधाधुंध हो रही कटाई को तुरंत रोके जाने की मांग की। इस दौरान पीसीसी सदस्य रामरतन, हरलाल, रायचंद, निहाल चंद, शंकरलाल सहित अनेक मौजूद ग्रामीण साथ रहे और एक स्वर में सांवत्सर सूड़सर के मुख्य मार्ग पर खेजड़ी के वृक्षों की हो रही कटाई का विरोध करते हुए इसे रुकवाने की मांग की। श्री डूंगरगढ़ का गौरव शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी के 22वें शहादत दिवस पर आगामी 9 सितंबर को उनके पैतृक गांव बिगावास रामसरा में विशाल श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आयोजन हेतु शुक्रवार को सरपंच लक्ष्मण राम जाखड़ की अगुवाई में पोस्टर का विमोचन किया गया। उपखंड अधिकारी उमा मित्तल व महर्षि दयानंद सरस्वती छात्रावास विकास समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर आर्य ने पोस्टर का विमोचन करते हुए युवाओं को रक्तदान कर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया। यहां कांग्रेस के मूलाराम भादू व सामाजिक कार्यकर्ता तोड़ाराम जाखड़ सहित अनेक मौजूद लोग शामिल रहे। सरपंच जाखड़ के साथ इस दौरान मांगीलाल सियाग, नारायण गीला, सूबेदार हनुमान नाई, रूपाराम सोधार, हीराराल सऊ, मगाराम सारण ने विभिन्न स्थानों पर संपर्क कर सभी को निमंत्रण दिया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप आज ही जुड़े श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ और अपडेट रहें अपने क्षेत्र की हर खबर से। धन्यवाद। शुभरात्रि।